तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे AR357। पिछले एपिसोड में हमने डायमंड ओर ढूंढ के निकाली थी और मैं ऑफलाइन इतना खुदाई किया कि अब हमारे पास इनफ डायमंड ओर है कि हम डायमंड का आर्मर बना सके। ये नेदर पोर्टल फालतू की आवाज़ सुन रहा था मेरे पीछे में। हाँ, हम बनाएंगे आज डायमंड का आर्मर। इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, रुक जाइए जरा, मैं वापस आता हूँ। हाँ तो चलिए दिखाता हूँ मैंने क्या क्या ढूंढ के निकाला है। टडन 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 टन टडन, ये देखिए इतना सारा माल पानी। छह डायमंड। चलो अपने आप को आज पानी के आर्मर से ढकते हैं। तो हमें चाहिए एक डायमंड की टोपी, एक चेस्ट प्लेट, एक लेगिंग्स, एक बूट्स। बूट्स नहीं मिली, कोई बात नहीं, रुक जाइए मैं सामान अरेंज करके आता हूँ, तब तक आप वेट करिए। मैंने सामान अरेंज कर लिया है, अब हम बना सकते हैं लेगिंग्स और बूट्स। ये लेगिंग और ये बूट्स। अब ये सड़ा सा आयरन का आर्मर हटाते हैं और डायमंड का आर्मर लगाते हैं। अब हम बन चुके हैं, अब हम बन चुके हैं डायमंड प्रो। लेकिन अभी नहीं, अभी एक चीज बाकी है और वो है डायमंड की स्पोर। अब हम बन चुके हैं रियल प्रो। तदन 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 तन तन, ये हो आयुष 357। तन 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 तन। देखो पूरी माइनक्राफ्ट वर्ल्ड आज खड़ा है आयुष 357 डायमंड के सुनहरे आर्मर में। खोलो, देखो देखो तुम्हारे मालिक ने क्या किया है आज। बिल्ली, ये देखो हमारी एक पेट बिल्ली भी है, इसका नाम रखेंगे हम बाद में कभी। चलिए अभी इन्हें एंचेंट करके देखते हैं। शार्पनेस वन, नॉक बैक वन ले लेते हैं इस पे। मेरे पास तो चीजों की कमी है ही नहीं, बैन रखे थे। ये डायमंड, ये शार्पनेस, नॉक बैक, हम लेंगे नॉक बैक वन और अपने आर्मर पे भी लगा देता हूँ। क्या मैं अपने आर्मर पे लगा सकता हूँ? प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। सब पे ट्राई करेंगे हम एक एक बार। क्या है प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन? प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन जूतों पे ज्यादा अच्छा। अच्छा, ये तो डेप्थ स्ट्राइडर। ब्लास्ट प्रोटेक्शन वन, इस पे ब्लास्ट प्रोटेक्शन दे देते हैं।
नेदर भी तैयार है, और हमारे पास हमारा दुनिया के सबसे खतरनाक पिकैक्स है। और अब मैं आपको एक और चीज दिखाने जा रहा हूँ, हमारा आर्मर कलेक्शन। ये देखो, लेदर का आर्मर, आयरन का आर्मर, गोल्ड का आर्मर। और इसी के साथ अब इसमें आपका है डायमंड का आर्मर। मेरा आर्मर कलेक्शन पूरा हो चुका है, और मैं अपनी इस सबसे अच्छी पिकैक्स को दूसरे हाथ में देता हूँ। नोए की दे सकते हैं, कोई बात नहीं। ये देखिए मेरे पिकैक्स पे क्या क्या लगा है, फॉर्चून 3, अनब्रेकिंग 3, एफिशिएंसी 5, और मंडे। तो अगले वीडियो में हम बनाएंगे, हम जाएंगे नेदर में, लेकिन उससे पहले मैं एक माइनक्राफ्ट डीएलसी खेलूंगा जिसका नाम है वे ऑफ द नेदर। तब तक के लिए गुड बाय, मैं चला नेक्स्ट वीडियो बनाने।